19 सीटें जीत केजरीवाल बनने जा रहे देश के प्रधानमंत्री। दिल्ली से लेकर पूरे देश में मचा बवाल। जी हां, आपको बताते हैं कि बीते 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। तेलंगाना को छोड़कर कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम हर जगह झटका लगा है। वहीं भाजपा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल किया है और सरकार बनाने जा रही है। वहीं तेलंगाना में भाजपा ने 1 सीट से 8 तक का सफर तय कर लिया है। हालांकि इन विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगा है। अब भाजपा ने भी आपकी खिंचाई की है। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर शेयर करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा ने शेयर किए गए पोस्टर में बताया कि आम आदमी पार्टी ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल 215 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। हालांकि इनमें से एक भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाया। पोस्टर में कहा गया है कि 215 में से 202 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने शेयर किए गए पोस्टर में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर भी निशाना साधा है। भाजपा आंकड़ा शेयर करते हुए इशारा किया है कि चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन करके भी केजरीवाल का सपना पीएम बनने का है। भाजपा ने कहा, ये है इंडी गठबंधन के कर्णधार। माना जा रहा है कि भाजपा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में सीएम पद के लिए किसी नए चेहरे पर भरोसा जता सकती है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरे चुन सकती है, जहां उसने प्रचंड चुनावी जीत हासिल की है। सूत्रों ने बताया कि चयन 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।